क्या, किसका खत है ये? पहलवानपुर से, शिवानी का। अरे वाह, हाँ, राखी भेजी होगी शायद। कैसे है वो? पता नहीं, वैसे खत में तो उसने कुछ लिखा नहीं है, पर मन ही मन मुझे चिंता हो रही है। लगता है कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है। फिर क्या करने का इरादा है? सोच रहा हूँ एक बार मिलाऊं। हम लोग भी चलते हैं, कुछ मदद। नहीं नहीं, तुम लोग राखी के एक दिन पहले कालिया के साथ आ जाना, ठीक है? ठीक है। ओके। अंधेरा होने लगा है। हो उस्ताद। तुमसे बड़े निकम्मे कहीं नहीं मिलेंगे। मुझे समझ में नहीं आता ना भी डरपोक कैसे हो सकता है। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ, सांप! बहादुर कालिया, वो कोई सांप नहीं है। मुझे पता है, मैं तो ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए नाटक कर रहा था। कालिया डरपोक, कालिया डरपोक। अब बस करो, वरना ऐसे मार खाओगे कि हंसना भूल जाओगे। बस करो। शिवानी, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आ गया हूँ ना, शांत हो जाओ। भीम, तुम वाकई एक सच्चे भाई हो, अपनी बहन के संकट के समय बिना बुलाए हाजिर हो गए। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हारी रक्षा करना ही तो मेरा फर्ज है ना? हमें दो बंदोबस्त करने हैं, एक तो डब्बू पहलवान का और दूसरा 500 मोहरों का। हो जाएगा मेरी बहना, हो जाएगा। अब तो हंस दे भाई, हंस दे। अरे हंस, अरे अरे हंस तो सही। कौन? वो भालू इंतजार करके थोड़ी देर में चला ही जाएगा। अब जब मैं इतना ऊपर आ ही गया तो शहद लेकर ही जाऊंगा। बाप रे, ये जंगली मधुमक्खियां तो बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक लगती हैं। मैं तो बिना शहद के ही ठीक हूँ। यहाँ से जल्दी निकल वरना। ये भालू भी ऊपर आ रहा है, इससे तो मधुमक्खियां ही ठीक है। नहीं, नहीं, मुझे मत काटना, मुझे मत काटना, बचाओ। बच गया। अरे शिवानी, एक और पराठा ले आ प्लीज। ए उठ, ए उठ रे, उठता है कि मैं तुझे। Thank you.
कदम रखा तो सुस्वागतम पधारिए महाराज। अरे भीम, तुम यहाँ भी? पता चला है कि कोई गुंडे पहलवान शिवानी और उसकी माँ को धमका रहे हैं। हाँ महाराज, मैंने उन्हें सैनिकों के हवाले कर दिया है। शाबाश भीम। महाराज एक विनती है, प्रवेश फीस एक मोहर। क्या? ओह, अरे हाँ हाँ, ये लो। महाराज ये रही कर्ज की रकम, 500 मोहरे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये रहा पहलवान गुंडों को सबक सिखाने का इनाम। सिपाहियों, शिवानी के पिताजी को जेल से रिहा कर दिया जाए। क्यों शिवानी, आज अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांधोगी? अरे भैया, मैंने तो कब से तैयार रखी है। खाना बनाया शिवानी, मजा आ गया। अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई तुम लोगों के लिए खाना बनाने में। सचमुच वीकेंड में तो बहुत मजा आया, अब अगले वीकेंड तो माना ढोलकपुर। जरूर भीम भैया, जरूर आऊंगी। अब हम चलते हैं। बाय। टाटा। टाटा। बाय, फिर मिलेंगे। बाय।